हेलो फ्रेंड, मैं हूं गौरव। आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरी जर्नी ऑफशोर तक की मेरे घर से। तो चलिए, मैं घर से निकल रहा हूं। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं ऑफशोर के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो अब मेरा टाइम हो गया गाइस निकलने का। तो चलिए देखिए राजस्थान टू मुंबई ऑफशोर का कैसा सफर है। लेट्स गो गाइस। पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये हमारा मस्जिद का येलो गेट, जहाँ से हमारी एंट्री होगी, हमारा लगेज चेक होगा, हमारा पासपोर्ट में इमिग्रेशन लगेगा, उसके बाद हम यहाँ से अंदर जाएंगे। अंदर हमारा बाज खड़ा है, हम वहाँ से फिर ऑफशोर निकलेंगे। तो ये हमारा येलो गेट। ओके, मिलते हैं आगे। ये हमारा पैसेंजर बोट है, इस पर हम जाएंगे अपने बार्ज पे। ये देख रहे हो वेसल्स खड़ा है, ये हमारा वहाँ पे बार्ज खड़ा है उधर भी। और ये रात का सीन है, थोड़ा लेट हो चुके हैं हम। ये हमारी बोट है, हम इसमें जाएंगे और वहां से हम फिर बार्ज की तरफ रवाना होंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड देखो ये है हमारा बोट। ये बोट का हमारा है व्हील, ये बोट का व्हील है, इससे बोट हमारे डायरेक्शन मिलती है चलने की। ये हमारा ओशियन है पूरा। ओके फ्रेंड्स, और ये है आपका फ्रेंड गौरव। तो ये हमारा बोट का व्हील है, फील आ रही बिल्कुल कैप्टन जैसी मेरे को। अब हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अपने बार्ज की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हमने बाय बाय कर दिया हमारे येलो गेट को। ये हमारा येलो गेट है, यहाँ से हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने बार्ज की तरफ। ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, ये विक्रम हमारा फायरमैन, ये हमारा अमित, और ये हमारे कैप्टन साहब हैं जो हमारे चला रहे हैं। भाई साहब का नाम क्या है? नामदेव। हाँ, नामदेव नाम है इनका। तो ये देखो ये सीन होता है हमारा। ये हमारा पैसेंजर बोट, ये हमारा लाइफ बॉय है, ये हम जा रहे हैं अपने बार्ज की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बार्ज, ट्रिनिटी नाम है इस बार्ज का, ट्रिनिटी। तो हम ये पहुंच चुके हैं हमारे बार्ज पे, अब हमें रूम अलॉट होगा, अब मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारा बार्ज है, मॉर्निंग टाइम हो गया। ये हमारा टग है, ये हमारा बार्ज को टग खींच रहा है और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। ये देखिए ये टग है, ये कनेक्ट है हमारा स्लिंग से बार्ज, और ये जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ, साउथ फील्ड जा रहे हैं। और ये देखिए पूरा ओशन है, आगे जाएंगे पानी और साफ हो जाएगा, ये देखिए आप। ओके फ्रेंड्स, अब आपको दिखाऊंगा मैं, अब सीधा मिलते हैं हम। अब हमें टाइम लगे जाने में 2 दिन, कम से कम 2 से 2.5 दिन, 2.5 दिन लगेंगे हमें साउथ फील्ड जाने में, क्योंकि बहुत कम नॉटिकल माइल्स की स्पीड से चल रहा है ये। और फिर हम जाएंगे वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा कि प्लेटफॉर्म है कैसा। इस बार हम गैस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे हैं, जिस कंपनी में मैं हूँ ये कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है वो अनमैन का मिला है, तो हम अनमैन पे जा रहे हैं। तो मैं आपको अब अनमैन दिखाऊंगा 2 दिन बाद। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये हमारा इवनिंग का नजारा है। वाह, कितना अच्छा लग रहा सनसेट। गुड इवनिंग गाइस, ये अभी भी हम चले जा रहे हैं, तो कल तक शायद हमें ब्लू वाटर देखने को मिले। अभी भी पानी का कलर पूरा ग्रीन हो रहा है, तो शायद कल हमें ब्लू वाटर देखने को मिलेगा। वाह यार, कितना सा नज़ारा लग रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखो। वाह, ओके गाइस, बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने कहा था 2 से 3 दिन लगेंगे हमें अनमैन पहुंचने के लिए, बट वेदर बहुत रफ हो चुका है, बारिश बहुत तेज आ रही है, सी वेदर बहुत रफ है, वेव्स रफ है, तो हमें यही एंकर डाल के स्टे करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ऑफशोर की लाइफ, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, पूरा वेदर रफ है, ये देखिए आप, ये हमारा टक खड़ा है सामने। तो फ्रेंड्स हमें यही स्टे करना पड़ रहा है, तो शायद हमें 5-6 दिन भी लग जाए, तो यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ओके बाय। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारा सूरज कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सनराइज हो रखा है गाइस, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है।
और ये देखिए हमारा ब्लू वाटर आ चुका है और हम अभी तक चल रहे हैं फ्रेंड्स, अभी तक चल रहे हैं। दो दिन से कंटिन्यू हमारी जर्नी है, इतना बड़ा हमारा ओशियन है। तो फ्रेंड्स ये भी एक ऑफशोर की लाइफ है, देख लो यार। तो गाइस हम शाम तक, शायद इवनिंग तक हम पहुंच जाएंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा हमारा अनमैन। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज रहे हैं और ये देखिए पूरा ब्लू वाटर आ चुका है, बट अभी तक हम पहुंचे नहीं है क्योंकि रात को थोड़ा वेदर रफ हो गया, तो हमें यही एंकर डाल के स्टे करना पड़ा। अभी फील्ड के अंदर ही है, हम पहुंच जाएंगे आज आफ्टरनून तक, तो फिर मैं आपको अनमैन दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा ट्रक खड़ा है और पूरा वाटर ब्लू है, आसमान पूरा साफ है। ये देखिए गाइस क्या मस्त नजारा है सुबह का। तो ठीक है गाइस, आफ्टरनून को मिलते हैं जब मैं आपको अनमैन दिखाऊंगा। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, दो दिन का हमारी जर्नी थी बट हमें 4-5 दिन लगे क्योंकि बहुत ज्यादा वेदर रफ था, बारिश हो रही थी, आपने देखा।